तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, हम आशा है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों तो आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम आ गया था, जो कि आप लोग फाइल डाउनलोड किए थे विर्चुअल डीजे का, तो बहुत लोग इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे और बहुत लोग कर लिए। कहे कि वो लोग जो वीडियो को समझ सके हैं और अच्छे से वीडियो को समझे हैं वो लोग इंस्टॉल कर लिए हैं, और जो लोग नहीं समझ पाए और करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग नहीं किए हैं। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो कैसे कंप्लीट होगा और कैसे डाउनलोड होगा। तो उसे डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल और उस फाइल पे जाना है जहाँ पे आप डाउनलोड किए हो। तो डाउनलोड आप जहाँ पे किए हो, चलिए मैं वहाँ पे फाइल पे अपना ले चलता हूँ, आप अपने मोबाइल में चले जाना और वहाँ से डाउनलोड फाइल पे चले जाना। चलिए मैं अपने मोबाइल पे यहाँ पे खोल लेता हूँ डाउनलोड फाइल्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे डाउनलोड फाइल पे चला आता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जेंडर फाइल से उसको रखा हूँ जो फाइल आप लोग डाउनलोड किए हो। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि वो कौन सा फाइल है और किस तरह का फाइल है। चलिए यहाँ पे मैं जेंडर पे चला जाता हूँ फ्रेंड्स। ठीक, ये एक जेंडर पे आ गया और उसके बाद मैं फोल्डर पे आ जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही विर्चुअल डीजे 7 का पैक है जो कि आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर लिए होंगे, जैसे जैसे मैं बताया था वैसे वैसे डाउनलोड कर लिए होंगे, उसके बाद इस तरह से फाइल खुला होगा। तो चलिए ये अनचिप कर लेता हूँ इसे फ्रेंड। ओके, तो इसे मैं यहाँ पे अनचिप मार लेता हूँ, यहाँ से अगर हो जाए तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं लगा है, ये देखिए ये वो फाइल है, इसे भी अनचिप कर लेता हूँ, ये वो भी फाइल है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाता है, आप लोग नहीं समझ पाते हो, तो इस तरह से आप करना है आपको। अब करना क्या है उसको मैं यहाँ से डिटेल्स में बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे यहीं पे मैं गलती करते हो आप लोग, ये OBB फाइल है। चलिए इन तीनों फाइलों को, ये दो फाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ फ्रेंड्स। चलिए यहाँ से ये दोनों फाइल को यहाँ से मैं डिलीट कर दिया, ये देखिए डिलीट। अब आप लोगों के पास ये तीन फाइल होंगे फ्रेंड्स इस तरह से, और ये वाला भी होगा। चलिए इसे मैं यहाँ से बाहर ले चलता हूँ, मूव कर लेता हूँ फ्रेंड्स यहाँ से, कट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए अब आप लोगों के सामने इस तरह से हो गया होगा। ये OBB फाइल है, इसको कुछ नहीं है करना, एक सेंजर था। अब यहीं पे प्रॉब्लम आता है, आप सबसे पहले अपना यहाँ पे एक्सचेंज जो है एक्सचेंज गेयर ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद इंस्टॉल करना है इस तरह से सिंपली। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, इस तरह से इंस्टॉल करना है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग कर भी लिए होंगे, लेकिन आप लोग विर्चुअल डीजे को इंस्टॉल करने में आपको दिक्कत हो रहा होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं ओपन करूँगा तो अभी नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ OBB पेस्ट नहीं किया हूँ, क्योंकि लोग यहीं पर गलती करते हैं। मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए अलाउ कर देना है आपको इस तरह से आपका। बहुत लोगों का प्रॉब्लम इसी पे अटका है, फ्लाइट टू फाइंड एक्सचेंजर इमेज ट्राई टू री इंस्टॉल एप्लीकेशन फ्रेंड्स। यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसके इनकी स्क्रीन शॉट भी डाल देता हूँ, और यहीं पे आप लोगों का गलती होता है। अब यहाँ पे सुधारना कैसे है मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देख रहे हो वीडियो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, एक लाइक तो बनता है यार, इतना मैं बता रहा हूँ तो। ठीक है, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए आप दूसरा प्रोसेस पे चले जाते हैं। देखिए OBB फाइल इस तरह से फाइल होगा, जैसे इस फाइल को लोग आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे, इससे यहाँ से कट कर लीजिए इस तरह से, यहाँ पे कट वाले बटन पे दबाइए, आप फाइल में चले जाइएगा। एक बंदे ने गूगल फाइल में बोला था, तो गूगल फाइल में भी आप ऐसे ही कीजिएगा, आपको समझ नहीं आता है तो मैं उसको भी बता दूँगा। चलिए यहाँ से जाने के बाद इस तरह से आप बैक हो जाइएगा और अपना जो एंड्रॉयड फोल्डर है उस पर चले जाइएगा। आपका एंड्रॉयड फोल्डर आपका कहीं पर भी होगा, मेरा यहाँ है। देखिए आप अपने फाइल मैनेजर पे ढूंढ लीजिएगा कि आपका एंड्रॉयड फोल्डर कहाँ पे है, जैसे ये रहा मेरा। उसके बाद OBB का फाइल है, यहाँ पे चले जाइए और यहाँ पे देखिए ये फाइल आ चुका है, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा और इसको रिप्लेस कर दीजिएगा या मर्ज कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे मर्ज कर दिया, यहाँ पे सक्सेसफुल ये पेस्ट हो चुका OBB। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब आपको दिक्कत क्या होगा फ्रेंड्स, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको एक्सचेंजर जो एक्सगेयर का एप्लीकेशन है उसे मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ जहाँ पे विर्चुअल डीजे इंस्टॉल होगा। तो आप लोग यहीं पर आ जाइए, आप लाइव देख सकते हो वीडियो,
इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स। चलिए मैं यहाँ पे उस एप्लीकेशन को देख लेता हूँ कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने मोबाइल में सर्च कर लीजिए। मैं चलिए यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पे मोबाइल थोड़ा हैंग टाइप से चल रहा है, लगता है फ्रेंड्स कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मोबाइल तो अच्छा खासा चल रहा है लेकिन एप्लीकेशन फ्रेंड्स यहाँ पे दिख नहीं रहा है। चलिए तो थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे रोक रहा हूँ फ्रेंड्स वीडियो को, क्योंकि वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है लेकिन दिख नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे हाइड कर चुका हूँ तो वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुका है हमारा एप्लीकेशन, अब आपको मैं जाके दिखा देता हूँ। चलिए इसके बाद हम इस तरह से देखिएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन ये रहा हमारा एक्स गेयर, यहाँ पे देख सकती है मेल के बगल में, इसको ओपन कीजिएगा फ्रेंड्स। सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट ओपन कर दीजिएगा, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एप्लीकेशन में, जो कि वहाँ पे फ्लाइट जो बोल रहे थे बहुत लोग तो यहीं पे गलती किए थे वो लोग। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे होगे तो आप ऐसा होगा, अगर आप स्किप कर करके देख रहे हो तो तब पर भी हो जाएगा, लेकिन शायद बहुत लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ गलती किया था। अब ये कुछ टाइम में ओपन हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें वर्चुअल डीजे को इंस्टॉल कैसे करते हैं उसको मैं दिखा दूंगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हो आप, सिंपली यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। चलिए यहाँ पे मैं स्किप नहीं करूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वेट कर लेता हूँ, काहे कि आप स्किप मैं एक बार किया था क्योंकि वहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ था लेकिन वहाँ पे दिख नहीं रहा था, उसको मैं रिफ्रेश किया जिससे वीडियो कट सकता था, इसलिए मैं इसको स्किप किया। उसके बाद यहाँ पे आ गया, अब उसको अनपैकिंग हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब जो ओबीबी फाइल है वो खुल रहा है। इसके बाद ये फर्स्ट टाइम लेगा फ्रेंड्स, किसी किसी मोबाइल में जल्दी हो जाता है, किसी किसी मोबाइल में लेट में चलता है फ्रेंड। इसे मैं सरकारी मोबाइल Q402 में चलाकर देखा हूँ, उसमें अटक अटक के चलता है लेकिन चल जाता है। जैसे कि Q402 का भी वीडियो मैं बहुत जल्द बना दूंगा, ये हर मोबाइल में ट्रिक काम करेगा फ्रेंड, लेकिन आप वीडियो को फॉलो अच्छे से कर रहे हो तो पहले पार्ट को देखिए, दूसरे पार्ट को देखिए, तीसरे पार्ट को देखिए, फिर भी समझ नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपका हेल्प ज़रूर करूंगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ऐसे खुल गया। अब यहाँ पे वर्चुअल डीजे का ऑप्शन तो है ही नहीं, यही बात ना, यहाँ पे इंस्टॉल पे चले जाना है, यहाँ पे कर सकते हो अदर्स में, लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पर मैनेज पर जाना है। मैनेज पर जाने के बाद यहाँ कोने में प्लस का आइकन यहाँ क्लिक करना है, और उसके बाद इस टाइप से आ जाएगा, यहाँ पे क्लोन इंस्टॉल पैकेज रन क्लोनर प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे हमको इंस्टॉल पैकेज में जाना है और रन एक्सप्लोर में, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाना है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ सेटिंग करना है, ये सबको सेट कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है आप लोगों को तो कमेंट कीजिए। यहाँ पे 32 बिट, यहाँ पे स्क्रीन भी सेलेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड, जैसे जैसे देख रहे हो इस तरह से सेट कर लीजिए। और उसके बाद आपको इंस्टॉल करने के लिए वो फाइल नहीं मिलेगा, वर्चुअल डीजे का फाइल है, उसे डाउनलोड करने के लिए हम फाइल पे चले जाएंगे, और फाइल पे जाने के बाद उसको करना क्या है आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद सबसे पहले फाइल मैनेजर पे चले जाइए, मैं इसको इसमें बताता हूँ। अब जो हमारा वर्चुअल डीजे है उसको सेट करेंगे थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर आ गए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एजेंडर पर रखे थे उस फाइल को फोल्डर में, ये देखिए अब वर्चुअल डीजे है, इसको कॉपी या पेस्ट कर लीजिए, यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लीजिएगा, काहे कि डिलीट हो जाएगा तो फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अब उसके बाद अपना स्टडी कार्ड में आ जाइएगा, स्टडी कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस अपने एंड्रॉयड फाइल पर ही रहिएगा फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्टडी कार्ड है तो स्टडी कार्ड में वर्क करेगा। तो आप एंड्रॉयड फाइल में रहिए और डाउनलोड फाइल पर चले जाइएगा, एंड्रॉयड फाइल पर चलिएगा, उसके बाद डाउनलोड पर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देख रहे होगे तो आप लोगों को समझ आएगा। यहाँ पे एंड्रॉयड फाइल मिला, डाटा पे चले जाइएगा और ये com.ltech.edu पे जाना है, फाइल्स पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है इस तरह से। चलिए आपको रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये आ गया, इसे इंस्टॉल पैकेज करता हूँ, इसको कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है, रन एक्सप्लोर पे जाना है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, चलिए वेट करते हैं फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे वीडियो को इसको स्किप और कुछ नहीं कर रहा हूँ जिससे आपका टाइम बच सके,
लेकिन आप अगर मैं ऐसा करूंगा तो आप लोग सोचेंगे कि भैया ने ऐसे ऐसे बताया था, स्किप किया, फ्रॉड बताया, इस टाइप से सोचेंगे आप लोग। तो इस तरह से खुलेगा, इसको साइड से क्लिक करके हटा दीजिएगा। अब इस तरह से हमारा फाइल खुल जाएगा। डबल दो उंगली को टच करेंगे एक साथ तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, और थ्री उंगली को एक साथ टच करोगे तो ये हट जाएगा। और देखिए देखिए ऊपर में हट गया, और फिर थ्री उंगली से ये आ जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे फाइल जो है इसको दो उंगली से जूम कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड पे कोने में जाइएगा, यहाँ पे डाउनलोड पे, और यहाँ पे जो हमारा फाइल है उसे ढूंढ लीजिएगा कि हमारा फाइल कहाँ पे रखा हुआ है। चलिए यहाँ पे मैं डाउनलोड पे आता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कि हमारा कौन सा फाइल अपडेट हो रहा है। डी में फोन थीम अपग्रेड। चलिए दोस्तों मैं इसे सेटअप कर लेता हूँ, अपने फाइल को सेट कर लेता हूँ यहाँ पे कि ये कहाँ पे आएगा इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे डी जेड, यहाँ जेड वाला भी ऑप्शन है, ये देखिए जेड वाला पे आ जाइएगा। स्टोरेज अपना फ़ोन स्टोर एसडी कार्ड का डाउनलोड फाइल में आपको मिलेगा, ये देखिए डाउनलोड फाइल पे। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरे को लगता है डाउनलोड फाइल में डालने से आ जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं, अपने फोल्डर पे चले जाते हैं। फ्रेंड्स वीडियो तो लंबी हो गया है दोस्तों, लेकिन आप लोग अच्छे से देखिएगा तो मिल जाएगा। इतना मेहनत करोगे तो आराम से आपके डाउनलोड फाइल में मिल जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड फाइल में रखना है, बैक कर जाना है, एसडी कार्ड या फोन स्टोरेज पे जाना है, यहाँ पे डाउनलोड, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब आपको इसमें आ जाना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऐप हमारा आया है कि नहीं, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब यहाँ पे विर्चुअल डीजे को आपको मैं ढूंढ के दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा विर्चुअल डीजे आ गया है, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला है विर्चुअल डीजे। फ्रेंड्स इतना में आप लोग समझ चुके होंगे, इसे मैं इंस्टॉल करके भी दिखाता हूँ इस वीडियो में। ये देखिए इस तरह से, जैसे ही आप लोग कंप्यूटर में करते हो वैसे ही सेम टू सेम ऐसे ही करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे कस्टम और टाइप इक्वल, मैं यहाँ कस्टम पे करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर से इंस्टॉल करना है। और इस तरह से सेटअप हमारा कुछ सेकंड में हो जाएगा फ्रेंड। जैसा कि आप जितने देर से मेहनत कर रहे थे उसका फल यहाँ पे मिल चुका है, जैसे आप लोग सोच रहे थे बिल्कुल वैसे ही हुआ। यहाँ पे लॉन्च कर दीजिएगा तो एप्लीकेशन ऊपर ओपन हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों आप लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आप लोगों को मिल चुका है। चलिए आप लोगों का विर्चुअल डीजे इंस्टॉल हो गया है, इसे अब यहाँ से हटा दीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे विर्चुअल डीजे इंस्टॉल हो चुका है, अब यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो रहा है। यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आएगा तो इसको डोंट शो पे क्लिक करके स्किप कर दीजिएगा कि दोबारा ना दिखे। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या आप नया वर्जन डाउनलोड करना चाह रहे हो, तो इसको नो कर दीजिएगा। यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिएगा। इसके बाद हमारा विर्चुअल डीजे ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में। इसी तरह से यहाँ पे हम चला सकते हैं फ्रेंड्स। मैं इसको ओके करके दिखाता हूँ, अगर एक बार में ना हो ओपन तो दोबारा कर लेना फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे विर्चुअल डीजे नीचे साइड में देख सकते हो लिखा भी गया है, जैसे कंप्यूटर में लिखाता है वैसे ही। चलिए इसे मैं एक बार रिस्टार्ट करता हूँ, काहे कि इसमें कुछ सेटिंग अभी बाकी है। इसको रिस्टार्ट किस लिए फ्रेंड्स, काहे कि अगर आपका जो सेटिंग नहीं हुआ होगा जितना बताया उतना में हो जाएगा। इसको बैक कर देना फ्रेंड्स एक बार। ठीक है चलिए यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ एक बार। अब देखिएगा फ्रेंड्स इस बार ये 100% एप्लीकेशन में स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए आ गया यहाँ पे विर्चुअल डीजे। अब इसे ओपन करते हैं डायरेक्टली फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, स्क्रीन हमारा रोटेट हो जाएगा। वीडियो यहाँ पे लंबा होने हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग इतना वीडियो देख रहे हो तो आप लोग आसानी से चला सकते हो। अगर इसके बाद भी आप लोगों को प्रॉब्लम आता है तो कमेंट या लाइक सब्सक्राइब कर ही देना, कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। इसको क्लिक करना है विर्चुअल डीजे को, यहाँ पे है, ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दो बार टैप करना है फ्रेंड जैसे कंप्यूटर में करते हुए से। उसके बाद इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा, और उसके बाद ओपन हो गया विर्चुअल डीजे। इसको फिर से डोंट शो पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्किप करना है, और यहाँ पे गाना वाना डाल सकते हो फ्रेंड्स। मैं चाहता हूँ यहाँ पे आपको एक गाना डाल के दिखाता हूँ, तो चलिए हम फाइल पे चले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक आध गाना सुना सकता हूँ, बजा के दिखा सकता हूँ। चलो तो यहाँ पे मैं फाइल पे जाता हूँ,
तो यहाँ पे सिंपली डाउनलोड फाइल में आपको सॉन्ग डालना पड़ेगा, जितना भी सॉन्ग आपके पास होगा फ्रेंड। चलिए यहाँ पे कुछ सीजी डीजे सॉन्ग्स हैं, मैं इन 2, 3, 4, 5 सॉन्गों को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ फ्रेंड, जिससे कि मैं आपको सुना सकता हूँ। दोस्तों वीडियो लंबा होगा तो होगा, लेकिन आप लोगों जो चाहते हो गया है। अब आपको चलाना कैसे थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े फ्रेंड। यहाँ पे डाउनलोड फाइल पे जाना है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना डाउनलोड फाइल खोज लेता हूँ। ये फर्स्ट में है, यहाँ पे सॉन्ग को एक फोल्डर बना लेता हूँ, ये फ्रंट, इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉन्ग आ गया। डाउनलोड फाइल में आप जितने भी फोल्डर बनाए होंगे वो आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आप चिप लगाए हैं तो एसएसडी कार्ड पे वर्क करेगा फ्रेंड्स। अब आपको चलिए मैं यहाँ पे सॉन्ग ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे चले जाते हैं यहाँ, और यहाँ पे देख सकते हो एक कीबोर्ड, इसको हटाने के लिए यहाँ पे 3 उंगली से टैप करना है ऐसे, और इसको हटाने के लिए ऐसे यहाँ पे ऊपर 3 ए हट जाएगा। अब यहाँ पे आपको जाना है यहाँ डेस्कटॉप पे, माई कंप्यूटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे जेड पे जाना है, और इसके बाद जेड पे जाने के बाद यहाँ पे आप स्टोरेज पे जाना है, इसके बाद इसमें इमुलेटेड में, उसके बाद फ्रेंड्स आपका 0 में खुल जाएगा। ये आपका एसएसडी कार्ड का स्टोरेज है, डाउनलोड फाइल आ गया। यहाँ पे हम जो सॉन्ग डाले थे वो यहाँ पे कुछ सॉन्ग है देख सकते हो, चलिए इन्हीं को बचा मैं सुनाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो फोल्डर भी बनाए हैं वो भी आ जाए, इसको टच करके जैसे कंप्यूटर में खींचते हो ऐसे खींच देना। अब यहाँ पे इसको प्ले कर देना इस तरह से, आपको चलो दिखाता हूँ मैं मज़े से। देखिए फ्रेंड इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पे यहाँ चालू हो गया, अब इधर सॉन्ग लाने के लिए यहाँ पे चालू कर दें। देखिए भाई अब यहाँ पे कुछ सैंपल भी काम करेगा, ये देखिए वाला। देखिए फ्रेंड जैसे आप लोग इस तरह से अब यहाँ से आप लोग गाना अच्छे से बना सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे इस तरह से आप गाना बजा सकते हो, अब जैसे आपको करना है वैसे कीजिए। मेरा काम था बताना, मैं बता दिया, अब आपको जो करना है कीजिए। यहाँ पे जो हमारा फोल्डर था वो शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा फोल्डर भी आ गया। अब यहाँ पे हम इस गाना को चला भी सकते हैं, यहाँ से इस तरह से टैप करके यहाँ पे आपको सुना भी सकता हूँ थोड़ा सा फ्रेंड, ज़्यादा नहीं, इस तरह से। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को जाते जाते लाइक करके ही जाना फ्रेंड्स, अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी मत कीजिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो इसमें हमारा कुछ प्रमोशन हो सकता है फ्रेंड, जो कि मोटिवेशनल मिलता है, वीडियो बनाने का मन करता है। तो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में कुछ नया बताएंगे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इंस्टॉल कैसे करना था, जो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था वो लोग क्लियर कर लो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, इस वीडियो को यहीं पर मैं करता हूँ एंड। तब तक के लिए धन्यवाद।